दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कभी टिकटॉक एक शब्द होता था घोड़े की चाल निरूपित करने के लिए, टिकटॉक टिकटॉक इशारा बन गया। फिर इस इशारे को महान कवि हनी सिंह ने पकड़ लिया, रैप लिख दिया, ये जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है तेरी हाई हील्स की गलती है। और फिर चीन की एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया टिकटॉक। भयानक लोकतांत्रिक है, कोई भी कुछ भी बनाता है वहाँ पर, कई लोग बहुत क्रिएटिव हैं, कई लोग अखंड चाट हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको टिकटॉक के गुण दोष नहीं बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि क्या टिकटॉक चीन की साजिश है, क्या टिकटॉक को अमेरिका ने बैन कर दिया है, क्या भारत में भी ऐसा कर देना चाहिए। ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है। पहले मैसेज देखते हैं फिर सत्यता जांचते हैं। क्या है मैसेज? अमेरिका ने चीनी कंपनी टिकटॉक को बैन कर दिया, भारत में भी बैन किया जाना चाहिए, यस और नो रिप्लाई ज़रूर करके बताएं। ये देखिए, कोई पुष्पेन कुलश्रेष्ठ के नाम से आई एम आर्मी सपोर्टर वाला ट्विटर हैंडल है, वहाँ से ट्वीट किया गया, 10,000 से ज़्यादा लाइक हैं। फेसबुक पर भी कई यूज़र्स ने ये बात कही कि अमरीका में टिकटॉक बैन हो गया। हमने चेक किया तो 31 दिसंबर 2019 की बीबीसी की रिपोर्ट मिली। क्या है इसका टाइटल? यूएस आर्मी ने ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन पर टिकटॉक को बैन किया। इस खबर की हम डिटेल में गए तो कहा गया कि जो आर्मी ने अपने स्टाफ को सरकारी फ़ोन दिया है उससे टिकटॉक हटाने को कहा, क्योंकि वो सरकारी फ़ोन जो अमेरिका का सरकारी दफ्तरों में, फ़ौज के दफ्तरों में इंटरनेट चलता है उस पर यूज़ होता है, कोई गोपनीय जानकारी लीक ना हो जाए, इसलिए ये निर्देश दिया गया। द गार्जियन ने भी 21 दिसंबर की रिपोर्ट में बताया कि यूएस नेवी ने स्टाफ से कहा सरकारी मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक हटाएं, अगर नहीं करते तो नेवी मरीन कोर के इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद और भी विभागों ने, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन TSA ने अपने कर्मचारियों को इसी तरह की बात कही, फिर होमलैंड सिक्योरिटी, कोस्ट गार्ड, सबको ये बात कही गई। मार्च 2020 में रॉयटर्स की रिपोर्ट आई, इसमें क्या आया कि रिपब्लिकन पार्टी के दो सेनेटर हैं जोश हॉले और रिक स्कॉट, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अक्रॉस द डिपार्टमेंट टिकटॉक के यूज़ पर रोक लगाई जाए, ऐसा उन्होंने बिल पेश किया, इसकी जानकारी दी, इस पर भी खबर बनी, लेकिन उस बिल पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मांग लगातार चल रही, पिटीशन साइन हो रही है। टिकटॉक के कितने यूज़र हैं अमरीका में? 2.65 करोड़ एक्टिव यूज़र। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि टिकटॉक का मालिकाना हक है चीन की कंपनी ByteDance के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कई मेंबर हैं। ByteDance को यूजर्स की जानकारी चीनी सरकार को देनी होती है, और अमेरिका की यही चिंता है कि चीन के पास सब देशों का डेटा पहुंच रहा है, हमारे यहां का भी पहुंच रहा है। और टिकटॉक की हालत क्या है? गूगल प्ले स्टोर पर यह 100 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन अमरीका ने इस पर बैन लगाया क्या? अभी नहीं लगाया। भारत को इस पर बैन लगाना चाहिए क्या? ये भारत की एजेंसीज़ को इसकी सिक्योरिटी, इस पर जो डेटा दे रहे हैं हम भारतीय जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ सेव कर रहे हैं, कैसे उसका मिसयूज़ हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करके फैसला लेना चाहिए। और यदि सरकार को लगता है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है ये, तो बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन पूरी जाँच के बाद। सरकार इस तरीके की कॉल लेती रहती है, उस पर डिबेट भी बहुत होती है कि अमरीका की जो कंपनी है फेसबुक, उसका सर्वर कहाँ है, व्हाट्सएप का कहाँ है, ट्रू कॉलर का कहाँ है, और वैसे ही टिकटॉक की भी स्क्रूटनी हो रही है। लेकिन क्या अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया जो ओरिजिनल खबर थी जिसकी जांच करनी थी? तो जवाब है नहीं। आपके पास भी कोई खबर आई गड़बड़ लग रही है, पड़ताल के लिए भेजिए हमारे पास। हमारा पता है padtalmail@gmail.com, padtalmail@gmail.com। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।